और आज हम ऐसे एक फल की बात करने वाले हैं जो अमीरों के पास होता है, जो भाजी मार्केट में नहीं मिलता बल्कि टेक मार्केट में मिलता है। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं डीप लाइफ कस्टम्स के एक नए एपिसोड में। रोल द इंट्रो। पास्ट में भी हम लोगों ने बहुत सारे एप्पल प्रोडक्ट्स के कस्टम्स किए हैं, तो एप्पल प्रोडक्ट्स के कस्टम करने में एक अलग ही मजा है। तो ये कस्टम होने वाला है नेचर से इंस्पायर्ड, हम लोग एक वुडन फिनिश देने वाले हैं इसे। तो यस, हम लोग थोड़े इको फ्रेंडली है इसलिए हम लोग झाड़ बिट नहीं काटने वाले हैं। आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू क्रिएट अ फॉ वुडन, फॉ मतलब नकली फॉ। आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू क्रिएट अ फॉ वुड फिनिश। सो गाइज, और वक्त जाया ना करते हुए मैं आपको अपनी ड्रॉइंग टेबल पे ले चलता हूँ और लेट्स स्टार्ट विद आवर कस्टम। तो आज हमारे स्टूडियो में आया है कटा हुआ सेब, यानी कि एप्पल। तो ये एक ऐसी केस के साथ आता है जिसपे रबराइज्ड कोटिंग होती है, जो मैंने निकाल दी है सैंड पेपर से। सैंड करने के बाद एक बहुत ही स्मूथ फिनिश मैंने अचीव की है। 600 ग्रिट सैंड पेपर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा सैंड पेपर लग सकता है। तो जो मैक की केस रहती है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, मुझे बहुत घिसना पड़ा तभी जाके ये निकला है। जब से मैं स्प्रे पेंटिंग करने लगा हूँ, आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस रेस्पिरेटर। तो ये रेस्पिरेटर से आपके नाक के बाल जलेंगे नहीं, आपको तकलीफ नहीं होगी। और प्राइम करने के लिए मैं प्राइमर इस्तेमाल कर रहा हूँ रेड। एक्रेलिक कलर्स का इस्तेमाल करेंगे, एक्रेलिक कलर्स मिक्स कर रहा हूँ मैं, ऑरेंज येलो और रेड की बेसिकली आपको एक शेड लगेगी जिससे एक अच्छा बेस बनेगा। मैं बड़े ब्रश से अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा सरफेस एरिया कवर होता है और आपकी झंझट कम हो जाएगी बेसिकली। तो हल्के से आपको स्ट्रोक्स लेने हैं, थोड़ा मैं क्रिएटिव होने का सोचा था बट आई कवर्ड इट ऑल लेटर। फिर जो सेकेंड ग्रेन इफेक्ट है उसके लिए मैंने इस्तेमाल किया थोड़ा सा डार्क ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। इससे जो प्रॉपर वुड ग्रेन है वो आप अचीव कर सकते हो, आप ऐसी सीधी सीधी लाइनें भी मार सकते हो, थोड़े क्रिएटिव भी हो सकते हो। तो आपको जैसे चाहिए वैसे, ये आपका कस्टम है, आपको जैसे बनाना है वैसे बनाइए। आप टिश्यू पेपर से भी ये लाइन्स मार सकते हो, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो उससे भी एक काफी अच्छी फिनिश आती है। फाइनली आपको वो ग्रेन पे सेटल होना है जो आपको अच्छा लगे। 1500 ग्रिट सैंड पेपर से सैंड कर दिया हल्के से और उससे एक बहुत ही प्रिस्टीन सिल्की सॉफ्ट मैट फिनिश आ गई। वैक्स लगा के चमचमाते हुए सेब बेचते हैं, वैसे ही हम लोग थोड़ा चमचमाता हुआ एप्पल बनाएंगे बाय ग्लॉस कोटिंग इट। क्लियर ग्लॉस कोट मार रहा हूं। सो गाइस, प्रतीक इज हियर और इसने मास्क पहना था, मैंने निकाला रिएक्शन के लिए। तो इसने अब तक देखा नहीं है हम लोगों ने क्या बनाया इसके लिए। सो दिस अरे ऐसे लग रहा है एकदम, मतलब मैं नया परचेस किया है दीपराज। हाँ, कस्टम लग नहीं रहा है सीरियसली। टीक वुड फिनिश चाहिए थी प्रतीक को और वैसे ही हम लोग ने कुछ बनाने को ट्राई किया है। आई होप ही इज हैप्पी। एक्चुअली आई लव इट। पीछे की साइड कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ ऊपर के साइड किया है। बहुत सही लग रहा है। सो अभी लगा रहे हैं हम लोग इसे, देखते हैं लगाने के बाद कैसे लग रहा है। और देख सकते हो चेहरे की खुशी। सो गाइस, ये कस्टम बहुत ही आसान था, आपको बहुत ही कम चीजों में ये कस्टम आसानी से बन जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप टिश्यू पेपर से भी हल्के से ये कस्टम बना सकते हो, आपको कोई भी ब्रशेस की जरूरत नहीं है। ये आप अपनी फोन केसेस पे कर सकते हो, आप एक बड़ी सी वुडन पेंटिंग भी बना सकते हो, आप बहुत सारी अलग अलग सर्फेसेस पे ये सेम चीज अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो से
आपको कुछ नया सीखने मिला, पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो में, तब तक जाके आप मेरे दूसरे कस्टम्स देख सकते हो, नीचे रेकमेंड हो रहे रहेंगे, नहीं हो रहे तो आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना। तो डीप लाइफ फैमिली, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी कस्टम वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ बिकॉज इट इज कोरोना टाइम।